नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति। हमारे साथ मौजूद हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। बात करेंगे किसान आंदोलन पर, जो वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। जयदीप जी, किसानों का आंदोलन भयावह रूप लेता दिखाई दे रहा है। किसानों का मांगे मनवाने और विरोध जताने का तरीका कहां तक सही या गलत लगता है आपको? देखिए, इसमें दो तीन पहलू हैं। ये बिल्कुल सही है कि स्थिति अब बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है। हालात इतने बिगड़े हैं, उसके पहले ही सरकार को, प्रशासन को बहुत सतर्क हो जाना चाहिए था। आपने जहां तक ये सवाल पूछा है कि ये जो तरीका है किसानों का, तरीका निश्चित तौर पर गलत है। पहले दिन जब इंदौर और आसपास में मालवा के क्षेत्रों में किसानों ने इस आंदोलन में ये रुख अख्तियार किया था कि उन्होंने सड़कों पर दूध ढोल दिया था, सब्जियां फेंक दी थी, उस तरीके का सब जगह विरोध हो रहा था। लेकिन उसके बाद सरकार को इस तरीके के विरोध के बारे में बात करने की बजाय, किसानों से बातचीत करके इसको रोकने की बजाय, अपना पक्ष ठीक तरीके से रखने की बजाय, वो खुद भी किसानों वाली स्थिति में आ गए। उन्होंने भी किसानों के इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठी का उपयोग किया, जोर जबरदस्ती की। हालात वहां पर बिगड़े हैं। किसानों का तरीका अगर गलत था तो उसका जनसमर्थन भी नहीं था। जनता दूध के लिए त्राही त्राही कर रही थी। 100 रुपए लीटर दूध बिक रहा है, सब्जियां 100-150 रुपए किलो तक चली गई। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, आंदोलन सही है या गलत, दिक्कत यह कि जनता पिस रही है। दूसरी बड़ी बात है कि जब यह आंदोलन एक छोटी चिंगारी के रूप में शुरू हुआ था तो यह भड़क कर ऐसा शोला ना बने, इसकी आग इस तरह से बेकाबू ना हो जाए, यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की और शासन की होती है। उन्होंने बातचीत की कोई पहल नहीं की, उन्होंने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने ये तक सोचा कि यह आंदोलन का आह्वान तो हो गया है लेकिन यह आंदोलन इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो यह बड़ी चूक है। इसमें गुप्तचर व्यवस्था भी जो होती है, जहां से आपको जमीनी खबरें मिलती हैं कि आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है, इससे कौन लोग जुड़े हैं, तो यह व्यवस्था की नाकामी है। जहां तक तरीके की बात है, जब तक ये मंदसौर का कांड नहीं हुआ था तब तक किसानों की जो खुद की क्रिया थी सड़कों पर दूध फेंकने की या सब्जी फेंकने की, वो गलत थी। लेकिन उससे वो वापस पटरी पर आ गए थे। वो केवल अपनी मांगों के बारे में बात कर रहे थे। एक दो दिन दूध और सब्जी की सप्लाई भी ठीक हो गई थी। लेकिन कल जब मंदसौर में फायरिंग हो गई, उस फायरिंग में किसानों की जान चली गई, उसके बाद जो शर्मनाक बयान आए, अब ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है और किसान इसलिए आक्रोश में है कि सरकार ने ठीक तरीके से स्थिति को काबू में नहीं लिया। आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों में अब तक कुछ ने आत्महत्या की है, लोगों की जाने गई है गोली लगने के कारण, इसे किस नजर से देखा जाना चाहिए? प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया या अन्नदाता किसान की हत्या के रूप में इसे देखा जाना सही है? देखिए, ये बात तो पक्की है कि ये हत्या है और स्थिति को संभालने के और भी अन्य तरीके हो सकते हैं। आज कश्मीर में जो पत्थरबाज हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं कि हमको उन पे पैलेट गन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, उन पे गोली चलाना चाहिए कि नहीं। हमने वहां पर धैर्य की पराकाष्ठा देखी है स्थानीय सेना की, जहां पर प्रदर्शनकारी जो है कश्मीर के, वो उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लात तक मार रहे हैं, उनकी टोपी जूते छीन रहे हैं। उसके बावजूद भी वो जवान अगर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा तो वो इसलिए कि उसको मालूम है कि स्थिति संवेदनशील है, इसे संभालने की जरूरत है। यही स्थिति मंदसौर में, अगर किसान गलत थे, अगर वो गाड़ियों को जला रहे थे, अगर वो उग्र हो गए थे, हिंसा हो गए, निश्चित ही आप उनकी आरती नहीं उतारेंगे, आप उनसे किसी भी सही तरीके से निपटने की। लेकिन आप पानी की बौछार करते हैं, आप अश्रु गैस चलाते हैं, आप ऐसी दूसरी अन्य तरीके हैं जो आपको सिखाए जाते हैं इस तरह से हालात पे। अचानक अगर आपने गोली चलाई तो क्या हालात वाकई इतने बिगड़ चुके थे? गोली चलाने की स्थिति के लिए आई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके पहले भीड़ को तितर बितर करने के उपाय क्या किए गए? नेतृत्व के स्तर पर राजनेता क्या उनसे बात कर रहे थे? स्थानीय नेतृत्व से किसी ने बात किया नहीं? गोली चलाने के आदेश किसने दिए? दूसरी बड़ी बात है कि गोलीकांड हो जाने के बाद, गोलीकांड हो गया, जमीनी हालात खराब थे, ये जनता तब समझती जब आपके बयान जिम्मेदारी से भरे होते। उसके बाद नेता ये बयान दे रहे, गृहमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठकर अगर व्यक्ति ये कहता है कि हमें पता नहीं गोली किसने चलाई, पुलिस ने तो गोली नहीं चलाई है, और जब गोली की फोरेंसिक जांच होगी तो पता लगेगा कि गोली किसने चलाई है, तो सत्य तो यह है कि गोली चली और लोग मरे। उसके प्रति संवेदना दिखाने की बजाय आप इस तरह का बयान देंगे तो लोग भड़केंगे, और यही हालत हुई है भड़कने की। किसान आंदोलन की सबसे बुरी स्थिति मध्य प्रदेश में ही देखी जा रही है, जहां के कुछ इलाकों में अराजकता का माहौल बन चुका है। ऐसे में सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है? देखिए, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि हालत बिगड़ चुके हैं, और इस आंदोलन की आड़ में हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व हों जिन्होंने हालात का फायदा उठाकर तोड़फोड़ उपद्रव वाली कार्रवाई की हो। लेकिन जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर सड़क पर हैं, उनमें और उपद्रवियों में फर्क करने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की होती है। प्रशासन के पास अपने तरीके होते हैं जिसमें भीड़ में से उपद्रवी तत्वों को छांटते, उन पर कार्रवाई करते हैं। उस भीड़ को बेलगाम न हो जाने देने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। और मध्य प्रदेश में ज्यादा बुरी स्थिति इसलिए है, और यह शर्मनाक, हास्यास्पद और दुखद बयान है कि बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस हालत के लिए, जो कांग्रेस पिछले 15 साल से आपसे चुनाव नहीं जीत पा रही, अपनी सीटें नहीं जीत पा रही, जमीन पर जिनकी पकड़ कमजोर है,
तो आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस अचानक इतनी, मतलब क्या आप अभी 18 का चुनाव जो है हार रहे हैं कि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं क्या? ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। कांग्रेस इतनी मजबूत इस स्थिति में नहीं है, आप ही के लोग हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आपने उनका ध्यान नहीं रखा। हो सकता है कि कुछ कांग्रेसी इसका फायदा उठाकर इस भीड़ में शामिल हो गए हो, किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हो, लेकिन इन समस्याओं को गंभीरता से समझने की कोई कोशिश सरकार की तरफ से नहीं हुई है। और ये पूरी तरह से आप एक वन मैन शो के रूप में जब पूरी चीजों को चलाते हैं, सारी सफलताओं का श्रेय आप लेते, तो विफलता का श्रेय भी आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक ये बड़ा प्रश्न है कि राजनीतिक पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या किसान आंदोलन के मुद्दे को राजनीतिक पार्टियां भुना रही हैं? हर तरीके से, जहां भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि ये राजनीतिक नुकसान उनका न हो, वहीं कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उनको राजनीतिक मुनाफा हो जाए। इस नफे नुकसान की सारी भागदौड़ के बीच में ना तो किसान को उसका हक मिल पा रहा है, ना आम जनता तक सारी सुविधाएं पहुंच पा रही, दूध सब्जी फल के लिए वो तरस गए हैं। तो देखा जाए तो किसान और आम जनता अभी भी परेशान है और राजनेता इस पर अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। देखिए, किसानों की जो मूल समस्याएं हैं वो बहुत गंभीर हैं और अलग तरीके की हैं। किसान आजकल इस देश में एक ऐसा शब्द हो गया जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े फिल्मी सितारे तक करते हैं, क्योंकि वो कुछ फायदे सरकार के उठाने के लिए खुद को किसान कहलवा लेते हैं। किसान है कौन दरअसल? क्या जिनके घर में बड़ी बड़ी चमचमाती आलीशान गाड़ियां हैं और जिनकी कोठियां हैं और जिनके बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, क्या वो किसान है? वो लोग किसान हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, अपनी सारी जायदाद बेचकर वो इस तरह के मुनाफाखोरी के धंधे में चले गए और वो आज किसानों का या तो नेतृत्व करते हैं या किसानों को भड़काने का काम करते हैं। पर सच्चे किसान वो नहीं है, वो उनके आगे तीन पीढ़ियों के लिए पैसा कमा चुके हैं। उनके घरों में गाड़ियों की कतारें देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह के किसान है, क्योंकि उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता, कर्ज भी वो माफ करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक सचमुच वो किसान है जो लगातार केवल खेती करके सब्जियां उगाकर फसलें उगाकर अपना जीवन यापन करता है। उस किसान की जो सचमुच की समस्या है वो इन आड़तियों, बिचौलियों और ठेकेदार और धन्ना सेठ किसानों की वजह से छुप जाती है। तो किसानों का सच्चा प्रतिनिधित्व तो सामने नहीं आता। जो जमीनी किसान है वो इन बड़े किसानों द्वारा बरगलाए जाते हैं, भड़काए जाते हैं और हालात बेकाबू हो जाते हैं। अभी उनकी आप मांगों को देखिए, सबसे पहली मांग तो उनकी कर्ज माफी की है। कर्ज माफी का जो ये जिन्न है ये उत्तर प्रदेश से निकला है। योगी सरकार ने, लुभावने जो चुनावी वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए कर्ज माफी की बात की, हालांकि पूरा कर्ज उन्होंने भी माफ नहीं किया। लेकिन जब भाव माफी की बात हुई तो लोगों का कहना है कि इसलिए महाराष्ट्र में भी हो रहा, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है वो क्यों कर्ज माफी नहीं कर सकती अगर उत्तर प्रदेश में कर सकती है? तो पहली बात कर्ज माफी की आई। कर्ज माफी एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर सरकार को बहुत ज्यादा गंभीर होना होगा। जब आप माल्या जैसे बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देते तो किसान निश्चित तौर पर यह सवाल पूछेगा, फिर हमारा कर्ज माफ क्यों नहीं हो रहा? जो घोटाले करके भाग जाते हैं, जो अपनी जेबें भरकर आलीशान कोठियां बनाते हैं और ऐसी विलासिता की जिंदगी जीते हैं, उनके कर्ज अगर आप माफ कर देते हैं तो फिर हमारे कर्जे माफ क्यों नहीं हो सकते? ये सवाल कर्ज को लेकर किसान उठाता है और उसका जायज सवाल है। दूसरा है जो उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता, तो वो समर्थन मूल्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब समर्थन मूल्य की दिक्कत यह है कि सरकार जो समर्थन मूल्य तय कर देती है कई बार उससे बहुत कम कीमत पर बाजार में वस्तुएं मिलने लगती हैं। तो ये बाजार की जो दिक्कतें हैं वो इसलिए भी हैं कि हमारे यहां पर किसान को उसकी फसल का सीधा मुनाफा नहीं मिल पाता। बीच में जो बिचौलिए हैं, आड़ती हैं, किसान आज भी मजबूर है कि वो अपनी फसल जिसको देता है वो आगे उस पर कितना मुनाफा कमाकर बेचेगा ये खुद वो तय नहीं कर पाता। दूसरी ये दिक्कत है कि कोई फसल मान लीजिए ज्यादा हो गई तो उसी फसल का जिसने संग्रहण कर रखा है, भंडारण कर रखा है, कोल्ड स्टोरेज में रख रखा है, उसको समझ में आता है कि मुझे इस भंडारण से अब लाभ नहीं होने वाला क्योंकि फसल ज्यादा हो गई, तो वो अपने भंडारण किए हुए उस अन्न को भी बाहर निकाल देता है। दोनों मिलाकर उस वस्तु का बाजार मूल्य बहुत गिर जाता है। इस वजह से किसान को उसकी कीमत नहीं मिल पाती, उसकी लागत भी नहीं निकल पाती। तो किसान की असली दिक्कत यह है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि केवल समर्थन मूल्य तय कर देने से यह मसला हल होने वाला नहीं है। उनको बिचौलियों और आड़तियों की वो व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी जो किसान का मुनाफा खा जाती है। तो इसके मूल में वो समस्याएं हैं जो किसान केवल कर्जा लेकर, अपनी बीज के लिए कर्जा लेकर, अपनी सिंचाई के लिए कर्जा लेकर फसल उगाता है, उसकी स्थिति निश्चित तौर पर दयनीय है, गंभीर है और उसकी उस हालात को सुधारने की कोशिश की जानी। दूसरी तरफ ये जो धन्ना सेठ हो चुके किसान हैं, इन किसानों की दादागिरी को, इनके वर्चस्व को कम करने की कोशिशें भी सरकार को ही करनी होगी। मध्य प्रदेश में इस समय भाजपा की सरकार है, प्रदेश के हालातों को देखते हुए प्रदेश में आगामी चुनाव में भाजपा का पत्ता क्या कट सकता है? भाजपा के लिए बड़ा गंभीर राजनीतिक संकट है। देखिए, पिछले बार के चुनाव में भी व्यापम एक बहुत बड़ा घोटाला था, उससे जैसे तैसे बचकर सरकार बन गई क्योंकि मोदी जी की लहर भी थी और दूसरा कांग्रेस मजबूत रूप से चुनौती नहीं दे पाई। आज अगर इन हालातों को कांग्रेस राजनीतिक स्तर पर बेहतर तरीके से भुना लेती है, प्रस्तुत कर लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, शिवराज सरकार के लिए आने वाले चुनाव निश्चित तौर पर बहुत बड़ी गंभीर चुनौती बनकर पेश होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में माहौल जो बना हुआ है, माहौल को देखते हुए कुछ इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं, इसके आखिर क्या मायने? देखिए, अब सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम बन चुका है जहां से झूठ, अफवाह,
फैलाई जा सकती है। तो ये मैं सोचता हूँ कि अगर प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाया है तो इसको ठीक माना जा सकता है, क्योंकि अगर व्हाट्सएप पर किसान आंदोलन को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिशें या लोगों को भड़काने की कोशिशें हो रही हैं और उपद्रव बहुत तेज हो चुका है, तो उसको रोकने के लिए प्रशासन को इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। और मैं मानता हूं कि इस मामले में हमें प्रशासन का साथ देना चाहिए, उनकी तमाम आलोचना और निंदा के बाद भी इस वक्त जो हालात है उसको निपटने के लिए प्रशासन को जिस तरह के प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करना पड़े उन्हें करने देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस आग को बंद करने की बुझाने की बहुत जरूरत है। शुक्रिया जयदीप जी तमाम बातचीत के लिए। वेब वार्ता में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य ताजा तरीन जानकारियों के लिए आप बने रहिए वेब दुनिया के साथ। लॉग इन कीजिए www.webdunia.com। नमस्ते।